हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyati.in एंड इन दिस सेशन अब हम मूवमेंट्स की लेसन 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द एडवेंचर ऑफ टोटो। सो यहाँ पे इस चैप्टर में हम टोटो के एडवेंचर्स के बारे में बात करेंगे एंड टोटो यहाँ पे एक एनिमल है विच इज अ मंकी। आई होप मेरी ड्रॉइंग से आपको पता चल रहा होगा कि ये मंकी है। सो ये जो टोटो है ये एक मंकी है एंड इसके बारे में हमें ये पूरी स्टोरी बताई गई है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक बच्चा बात बता रहा है कि उसके दादाजी हैं जिसको जानवरों का बहुत शौक है और बहुत सारे जिन्होंने अपना एक प्राइवेट जू बना रखे जिसमें अलग अलग तरह के उन्होंने जानवर पाले हुए हैं। तो एक बार एक टांगे वाले से वो इस बंदर को जिसका नाम टोटो है इसको खरीद लेता है, पूरे 5 रुपए में टांगे वाले से इस बंदर को खरीदता है। अभी जो बंदर है ना ये बहुत शैतान है पर दिखने में बहुत सुंदर है। इसकी जो आंखें हैं वो बहुत चमकीली सी हैं, बहुत चमकती हैं लेकिन उनमें शरारत चमकती है और इसके जो दांत है वो एकदम पोल वाइट है एंड इसको जो भी देखते तो वो बहुत प्यारा लगता है। इसके जो हाथ है वो बहुत ड्राई से है लेकिन फिंगर्स बहुत तेज है शैतानी करने में एंड इसकी जो टेल है वो इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत सी है, मतलब वो बोलते हैं कि जो इसकी टेल है वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। और दादाजी तो कहते हैं कि जो इसकी टेल है वो उसके तीसरे हाथ की तरह काम आते हैं बिकॉज आधे काम तो ये अपनी पूंछ से ही कर लेते हैं। तो इसकी बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत सुंदर सा है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि दादी को पसंद नहीं है, जो दादाजी को जब भी कोई जानवर पसंद आता है वो उसको उठा के घर ले आते हैं। अब दादी को ये चीज पसंद नहीं है तो इस बार वो सोचते हैं कि हम दादी को बताएंगे ही नहीं कि हमने ये बंदर खरीदा है। तो जो उनका पोता है और जो दादाजी है वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो उसके पोते का रूम है वहां की दीवार के पास एक कील है उसके साथ उसको बांध देते हैं और दोनों बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो आके देखते हैं तो वहां पे जो दीवार थी उस पे जो प्लास्टर वगैरह था वो सब गायब था, वहां का वॉलपेपर फटा हुआ था और जो जिस कील से उसे बांधा था वो कील बाहर आई हुई थी और वहीं पे उस बच्चे का स्कूल का कोट टंगा हुआ था जिसको उस बंदर ने पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको बिल्कुल फाड़ दिया। वहां पे जो बच्चा है वो तो बड़ा परेशान हो गया कि अब तो हम गए, दादी ने अगर ये देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि इन्होंने ये बंदर रखा हुआ है, ऊपर से हमारी शामत आ जाएगी। लेकिन दादाजी वहां बड़े सरप्राइज होकर खड़े हैं और वो इस बंदर की तारीफ करते हैं कि अगर इसे थोड़ी देर और मिलती ना तो इन कतरों से ही एक रस्सी बना के निकल जाता। बच्चा बड़ा परेशान हो रहा कि यार एक तो वो इतना नुकसान कर रहा, दादाजी उसकी तारीफ कर रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि इसको कहीं और हमें शिफ्ट करना पड़ेगा तो वो उसे नौकरों के रूम में शिफ्ट कर देते हैं। वहां पे एक पिंजरा है तो वो सोचते हैं इस पिंजरे में इसको रख देते हैं। अब उसके साथ वहां पे कछुआ भी है, वहां पे स्क्वेरल्स भी है और थोड़े छोटे मोटे और भी जानवर है। अब पूरी रात जितने भी वहां पे और जानवर थे इस बंदर ने, इतनी शैतान है वो बंदर कि उसने किसी को भी सोने ही नहीं दिया वहां पे। तो फिर अब दादाजी और परेशान हो गए कि ये तो सबको तंग कर रहा है। फिर दादाजी ने सोचा कि अब उन्हें अपनी पेंशन के लिए सहारनपुर जाना है तो वो सोचते हैं कि मैं इसको साथ ही ले जाऊंगा, यहाँ तो पता नहीं कितना नुकसान कर देगा। तो वो एक काले रंग का बैग लेते हैं जो बहुत मजबूत होता है, उसमें उस बंदर को डाल लेते हैं और सोचते हैं कि इसको मैं इसी बैग में डाल के ले जाऊंगा। अब वो जो बैग होता है ना वो बड़ा मजबूत है, वहां पे बंदर कोशिश करता है निकलने की, उछलता है, सब कुछ करता है लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाता। लेकिन अब जब वो उस बैग में उछल रहा होता है तो प्लेटफॉर्म पे लोग देख के बड़ा चुंबा हो रहे थे कि बैग कैसे अपने आप उछल रहे हैं, बैग कैसे चल रहा है। तो वो सबका एक एंटरटेनमेंट का साधन बन जाता है। लेकिन जब दादाजी वहां पे टिकट काउंटर तक पहुंचते हैं, टीसी से टिकट कलेक्ट कर रहे होते, टिकट दिखा रहे होते हैं, तो जैसे ही वो थोड़ा सा बैग खोलते हैं टिकट के लिए वो बंदर फटाक से अपना मुंह बैग से बाहर निकाल लेता है। अब टीसी पहले तो सरप्राइज हो जाता है लेकिन फिर वो दादाजी को बोलता है, खुश होकर स्माइल करके बोलता है कि आप जो ये कुत्ता लेके जा रहे हो इसकी भी टिकट लगेगी। दादाजी उसे कहते हैं ये कुत्ता थोड़ी है, ये तो बंदर है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसकी टिकट लगेगी, आप इसको लेके आए हो, जुर्माना लगेगा, इसकी भी 3 रुपए की टिकट लगेगी। अब दादाजी कुछ कर नहीं सकते थे, उनको वहां पे 3 रुपए की टिकट लेनी पड़ी। लेकिन उन्होंने फिर सोचा जान के मजे लेने के लिए अपनी जेब में से कछुआ निकाला, वो जेब में कछुआ भी लेके आए थे, जेब में से कछुआ निकाल के कहते बताओ इसकी कितनी टिकट देनी है। तो अब वो टीसी है वो हंसता हुआ थोड़ा शर्माता हुआ कहते नहीं नहीं इसकी कोई टिकट नहीं है, ये कुत्ता थोड़ी है। तो फिर वहां पे ये सब होती है और जब फिर वो सहारनपुर से वापस आ जाता है और फिर स्टोरी में दिखाते हैं कि अब दादी ने भी इस बंदर को एक्सेप्ट कर लिया, दादी को बता दिया होगा या उन्हें पता चल गया होगा, वो स्टोरी में गिवन नहीं है, लेकिन दादी अब फाइनली
इस बंदर को एक्सेप्ट कर लेते तो वो अब सोचते हैं कि हम इसको स्टेबल में कंफर्टेबल घर देते हैं, वहां पे इसको रखेंगे। अब वहां पे जो उसको स्टेबल में रख देते हैं, वहां पे उसको जो कंपनी देने के लिए वहां पे एक गधा होता है, तो थोड़ा टाइम वहां पे रखते हैं। और रात को दादा जी सोचते हैं कि आज उसकी वहां पे पहली रात है, मैं देख के आता हूँ वो क्या कर रहा है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं गधा जोर जोर से चीख रहा होता है, तो दादाजी परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों चीख रहा है। तो वो देखते हैं कि जो बंदर है वो गधे के कान पकड़ के लटका हुआ है, अपने दांतों से उसके कानों को जोर से पकड़ा हुआ है और उससे लटक रहा है। अब वहां पे दादाजी को लगता है कि ये तो गड़बड़ वाली बात है, इसको यहाँ पे रखना। उनको थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है कि शायद गलती कर दी इसको खरीद के, पर फिर भी कुछ देर ऐसे निकलते हैं। अब ये जो टोटो है ना, इसको बहुत मजा आता है क्योंकि ठंड का मौसम है, तो दादी जब इसे गर्म गर्म पानी में नहलाती है तो इसको बहुत मजा आता है। अब इससे भी यहाँ पे किस्सा जुड़ा हुआ है, तो वो जानते हैं क्या है। तो दादी क्या करती है, जब भी इसको गर्म गर्म पानी में नहलाना होता है ना, तो वो टब में या जिसमें भी नहलाती है पानी गर्म डाल देती है। तो ये बंदर क्या करता है, पहले उसमें हाथ डाल के देते, जैसे हम करते हैं नहाने जाते हैं जब टूटी चला के पानी भरते हैं, तो वहां पे हाथ डाल के देखते हैं पानी नॉर्मल हो गया, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा तो नहीं है। तो ये भी इसी तरह से पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं अपना हाथ डाल के, और फिर जब इसे लगता है कि हाँ ये नहाने से इतना गर्म हो गया है, तो अपने दोनों पैर और हाथों को लेके टब में घुस जाते, सेम ऐसे ही जैसे दादाजी करते हैं। अब एक बार इसने क्या किया, अभी से पता चल गया गर्म पानी में मजा आता है नहाने में, और इसमें पता क्या करता है, जैसे ही पानी ठंडा होता है तो फटाक से बाहर निकल जाता है टब से, और फिर किचन में जाके अपने आप को सुखा लेता है, वहां पे जो भट्टी चल रही होती है उसके आगे खुद को सुखा लेता है। अब एक बार इसने क्या किया, ऐसे ही गुजर रहा था और किचन में इसने देखा केतली में पानी उबल रहा था, पानी रखा हुआ था चाय बनाने के लिए। अब इसको पता चल जाता है कि इसमें तो गर्म पानी है, वो फिर से सोचता है कि इसमें तो बड़ा मजा आएगा गर्म पानी में नहाने में, तो वो क्या करता है केतली के अंदर घुस जाता है। अब केतली से सिर्फ उसका मुंह बाहर होता है, अब वो केतली गैस के ऊपर है, आग के ऊपर है। अब धीरे धीरे जब पानी उबलने लगता है तो बंदर उछलता है, उसको गरम गरम लगता है कि ये तो गरम हो रहा है, फिर बाहर ठंड होती है, फिर अंदर चला जाता है। तो वो क्या करता है, थोड़ी देर तक ऐसे ही उस पानी में उछलता रहता है, कभी बाहर कभी अंदर कभी बाहर। फिर दादी आके देखती है उबलते हुए पानी में ये क्या कर रहा है, फिर उसको वहां से निकालती है और देखते है कि ये तो आधा उबल चुका है। अब इसके बाद आते हैं एक कहानी नहीं इसी का ये किस्सा है, जो कि इस कहानी का आखिरी किस्सा है। वो ये कि एक बार लंच का टाइम होता है एंड वहां पे डाइनिंग टेबल पे एक बड़ी सी थाली में पुलाव पड़े होते हैं। अब जब सब वहां पे खाना खाने पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो बंदर है वो उसी थाली में से खा रहा है। अब दादी को बहुत गुस्सा आता है तो वो एकदम से उस बंदर पे चिल्लाती है, तो वो क्या करते हैं टेबल से एक प्लेट उठा के फेंक के मारते हैं दादी की तरफ। फिर चाची आती है, वो उसको हटाने की कोशिश करती है तो पानी का गिलास लेके चाची के मुंह पे मारता है वो। उसके बाद दादाजी आते हैं वहां पे, जैसे दादाजी को देखते हैं तो वो पूरी थाली पुलाव की लेके भाग जाता है और खिड़की से बाहर निकल के कटहल के पेड़ पे जाके चढ़ जाता है और पूरी शाम वहां पे आराम से बैठ के वो सारे पुलाव खत्म करता है। अब उसने दादी ने उस पर गुस्सा किया होता है तो दादी को तंग करने के लिए जैसे दादी पास आती है तो वो पूरी जो थाली है जिसमें से पुलाव खत्म कर चुके हैं उसे जोर से जमीन पे पटकता है और उस जैसे ही उस थाली के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वो बहुत खुश होता है और उछलने लगता है। अब इस इंसिडेंट के बाद दादाजी को लगता है कि ये तो इसको लेके गलती कर दी, इसको यहाँ रखेंगे तो हम इतने अमीर तो है नहीं जो अपने इतने बर्तनों का, कपड़ों का, पर्दों का, वॉलपेपर्स का नुकसान बार बार उठा सके। तो वो क्या करते हैं, टांगे वाले को बुलाते हैं और कहते हैं इसको वापस ले जाओ। वापस करते हैं टांगे वाले को सिर्फ 3 रुपए में, एक तो 5 रुपए में उसको खरीदा, उसने इतना नुकसान किया और अब टांगे वाला भी सिर्फ 3 रुपए देता है उस बंदर के, तो 3 रुपए देके वो बंदर को वापस कर देते हैं। ओके, सो ये थी हमारी फनी सी स्टोरी टोटो की और उसने क्या क्या किया उसके बारे में। तो आई होप आपको स्टोरी मजेदार लगी होगी और अब जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बीच में से भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आपको अगर पूरी स्टोरी पता तो आप उनका आंसर दे पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय सेशन, आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू वीडियोस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।